Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Dr. D.Y. Patil Medical College Hospital and Research Center Pune. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So, जो डॉक्टर डी वाई मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था ये 1996 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अफिलियेटेड है डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी से. एक्रेडिटेशन और रैंकिंग की बात करें तो इट इज एक्रेडिटेड बाय नेक विद ग्रेड ए एंड अप्रूव्ड बाय एमसीआई एंड इट रैंक 19 बाय एनआईआरएफ इन 2021. अब हम कोर्सेज और फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये ऑफर करता है एमडी इन जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थियोलॉजी, साइकाइट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेपर्सी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इमरजेंसी मेडिसिन में. एंड एमएससी ऑफर करता है जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी एंड ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी एके ईएनटी में. आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया हो. अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन की जो ट्यूशन फीस है वो है 35 लाख रुपीज. और अगर आप बात करें क्लिनिकल सब्जेक्ट जो डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी है उनकी जो फीस है वो है 50 लाख रुपीज. क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है दूसरे जैसे कि साइकाइट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, देन ईएनटी, उसकी फीस 25 लाख रुपीज है. एंड एनेस्थियोलॉजी की फीस भी 25 लाख रुपीज है. देन जो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है जैसे कि पैथोलॉजी, उसकी फीस 14 लाख रुपीज है. ऐसे आप बाकी सारे कोर्सेज का भी फी स्ट्रक्चर का डेटा जो है वो ऑफर डेटा जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं इनटेक कैपेसिटी की. तो जो इनटेक कैपेसिटी है हर कोर्स की अलग अलग है. जैसे कि अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो उसमें 3 सीट्स है. ऐसे हर कोर्स की जो कैपेसिटी है इनटेक की वो अलग अलग है. तो बायोकेमिस्ट्री की 2 सीट्स है, देन फिजियोलॉजी की 3 सीट्स है, पैथोलॉजी की 12 सीट्स है, फार्माकोलॉजी की 6 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी की 3 सीट्स है, कम्युनिटी मेडिसिन की 6 है, जनरल सर्जरी की 16 है, ऑर्थोपेडिक्स की 10 है, ऑप्थल्मोलॉजी की 9, ईएनटी की 4, जनरल मेडिसिन की 17, देन डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी एंड लेपोसी की 9, देन रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 4, साइकाइट्री की 6, रेडियो डायग्नोसिस की 12, एनेस्थियोलॉजी की 11, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की 14, पीडियाट्रिक्स की 15 एंड इमरजेंसी मेडिसिन की 2 सीट्स हैं. अगर आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं आया हो या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉज करके और अपनी डिजायर्ड ब्रांच में आपको कितनी सीट्स मिलेंगी वो आप चेक कर सकते हैं. कट ऑफ की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है ये 2021 का जनरल कैटेगरी के लिए वो मैं आपको बताऊंगी. तो कोर्स वाइज कट ऑफ की जो रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, वो अलग अलग होती है. जैसे कि अगर हम एनेस्थियोलॉजी की बात करें तो मैं सिर्फ आपको पहली बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक बताने वाली हूं. बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पॉज करके अपनी स्ट्रीम की क्लोजिंग रैंक के बारे में पढ़ सकते हो और ओपनिंग रैंक भी मैंने मेंशन किया वो भी आप देख सकते हैं. तो एनेस्थियोलॉजी के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 61,662, कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 81,442, डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी एंड लेपर्सी के लिए 27,993, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 45,409, जनरल मेडिसिन के लिए 28,459, माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्लोजिंग रैंक है 1,64,000, पीडियाट्रिक्स के लिए 31,908, पैथोलॉजी के लिए 82,911, फार्माकोलॉजी के लिए 1,04,411, साइकाइट्री के लिए है 49,031, रेडियो डायग्नोसिस के लिए 35,318, देन रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 30,881, जनरल सर्जरी के लिए 57,138, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए है 35,540 क्लोजिंग रैंक, ऑप्थल्मोलॉजी के लिए थी 60,692, ऑर्थोपेडिक्स के लिए 45,025 एंड ईएनटी के लिए 61,870 क्लोजिंग रैंक ईयर 2021 में. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कोर्सेज के बारे में, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में और कट ऑफ के बारे में सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है. अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहूंगी. तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.